नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास पर आप लोग का स्वागत है। तहे दिल से स्वागत है। होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो भी स्टूडेंट जो है सीयूटी के थ्रू जो यूजी में जो है एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी भी जो भी यूनिवर्सिटी जो है सीयूटी से रिलेटेड है, या जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं यूजी के किसी भी कोर्स में, जैसे कि जो है बीए, बीएससी, बीकॉम, या जो है आप लोग बीए, एलएलबी या एलएलबी, या बीबीए या बीसीए, इन सभी कोर्सेज में, या जो है आप लोग गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन लेना चाहते हैं, या आप लोग जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो है नेशनल पीजी कॉलेज में लेना चाहते हैं, या आप लोग जो है एमजीकेपी करके जो है यूनिवर्सिटी है वहां पर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अभी जो है यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन लेना चाहते हैं, मेन कैंपस पाना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो को सही तरीके से और अच्छे तरीके से बढ़िया से और वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि मैं इसमें आप लोगों को बताने वाला हूँ एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कि एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म कब तक आ सकते हैं, क्या किसी यूनिवर्सिटी का आया भी है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक। प्लस उसके एग्जाम पैटर्न क्या होने वाले हैं, इसके बाद उसके जो है आपके जो है सिलेबस जो है कहां से किस तरीके से पूछे जाते हैं उसके बारे में भी मैं जो है आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपको सिलेबस कहाँ से मिल जाएंगे, ठीक। प्लस एक चीज और बताऊंगा कि आप लोग कैसे जो है उसके जो है एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी सही तरीके से कर सकते हैं। प्लस ये भी बताऊंगी कि आपके एग्जाम कब तक हो सकते हैं, कब तक जो है यूनिवर्सिटी आपकी जो है एग्जाम करवा सकती है, जो भी यूनिवर्सिटी का नाम लिया हो उन सभी यूनिवर्सिटी। प्लस आपको पता होगा कि सीयूटी के अंदर जो है कई यूनिवर्सिटी ऑलरेडी जो है इन्वॉल्व है, लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है नहीं है, गोरखपुर नहीं है, ये सभी यूनिवर्सिटी जो है अपना खुद का जो है एग्जाम करवाते हैं, ठीक। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आप लोग को सही तरीके से, अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से पूरे वीडियो को देखना होगा अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो। बाकी आपको कोई चीज इस वीडियो में ना समझ में आएगा तो आप लोग मुझे 7985535991 पर कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। और एक चीज, अगर आपको सही तरीके से, अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, एंट्रेंस एग्जाम में लेना है सिलेक्शन, या नोट्स बाय करना है, या और कुछ करना है, तो आपको जो है मेरे ऐप को इंस्टॉल करना होगा। एमएस क्लासेस नाम का ऐप है, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहां से आप लोग जो है इंस्टॉल करिएगा, आप लोगों को बहुत कुछ बेनिफिट मिलेगा। प्लस अगर आप लोग एंट्रेंस एग्जाम के साथ, मतलब लखनऊ यूनिवर्सिटी या किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ने के साथ साथ आप लोग कंपटीशन एग्जाम, तो उसके लिए भी मेरा ऐप है। मैं नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा दोनों ऐप का, प्लस व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप लोग मुझसे ज्वाइन हो सकते हैं, आपको बहुत कुछ बेनिफिट मिलेगा, ठीक। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं जो है सीयूटी से रिलेटेड, जो सीयूटी के स्टूडेंट, मतलब जो सीयूटी में जो है फॉर्म फिल करना चाहते हैं, उन लोगों का फॉर्म कब से स्टार्ट हुआ है, तो आप लोगों का फॉर्म जो है 27 फरवरी से आ चुका है। मैं ऑलरेडी आप लोगों को जो है बताया था, मतलब जो है नोटिफिकेशन के तौर पर वीडियो के माध्यम से, कि आप लोगों का जो है सीयूटी का फॉर्म कब तक आ सकता है, और आ गया है। लेकिन एक बार फिर जो है जिक्र कर देता हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं अभी जो है इंटर का जो है एग्जाम दे रहे हैं यूपी बोर्ड का, वो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें जो है सही तरीके से इसके मायने में नहीं पता, क्योंकि वो अपना जो है बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस पर जो है उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान देना है। अगर आपको जो है सीयूटी के थ्रू जो है एडमिशन लेना है किसी जो है यूनिवर्सिटी में, जो भी यूनिवर्सिटी जो है सीयूटी से रिलेटेड है, ठीक। तो आप लोगों का जो है फॉर्म की डेट जो है 27 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, आप लोग फॉर्म को फिल करें। ये लास्ट डेट जो है आप लोगों का जो है 26 मार्च, मतलब 26 मार्च तक है, एक महीने आपको टाइम मिलेगा। प्लस आप लोगों को बता दूं जो है लास्ट डेट इसका जो है फीस जो आप लोग पेमेंट करेंगे उसका जो है 26 ही है, ठीक, मार्च। इसके बाद आप लोगों को बता दूं जो है जो करेक्शन का डेट, अगर आप लोगों के जो है फॉर्म में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम कुछ भी हुआ हो, या फोटो मिसमैच हुआ हो, या सिग्नेचर, या आप लोगों के जो है नाम में कोई गलती या कोई प्रॉब्लम हुआ हो, तो आप सभी लोग जो है 28 मार्च तक या जो है 29 मार्च, मतलब 2 से 3 दिन दिए जाएंगे, आप लोग जो है करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक, उसे सही तरीके से। प्लस आपको बता दूं जो है इसके जो है सिटी जो एग्जामिनेशन जहाँ होंगे उसके सिटी अलाउ आप लोगों के जो है 30 जो है अप्रैल को जो है घोषित कर दिए जाएंगे कि इस जो है सिटी में आपका एग्जाम होगा, ठीक। प्लस आप लोगों को बता दूं जो है कि इसके एडमिट कार्ड जो है आप लोग के जो है मई के जो है सेकंड वीक में आ जाएंगे। प्लस आप लोगों को बता दूं जो है डेट जो है एग्जामिनेशन का, जो एग्जाम आप लोगों का होगा एंट्रेंस एग्जाम, इसकी डेट अभी जो है अनाउंस नहीं है सही तरीके से, लेकिन जो है कहा गया है कि बिटवीन जो है 15 मई तक जो है आप लोगों के जो है एग्जाम के डेट भी आ जाएंगे, 15 मई से लेकर के 31 मई के तक, ठीक। जितने भी एंट्रेंस एग्जाम अगर आप लोग जो है जैसे बीए करना चाहते हैं, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, एलएलबी, या आप लोग जो है बीबीए या बीसीए, और भी जो कोर्सेस हैं अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं यूजी के किसी भी कोर्स में,
तो आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक। और आप लोगों का एग्जाम कब तक होगा, तो मैंने आपको बता दिया कि 15 मई से लेकर के जो है 30 जो है 31 मई तक जो है उसी के बीच में आप लोगों का एग्जाम करवाया जाएगा, ठीक। इसके बाद कहा गया है कि जो है आप लोगों के जो है आंसर की कब तक आ जाएंगे, तो इसका कोई जो है नोटिफिकेशन, कोई जो है इसका डाटा नहीं है, ठीक। आंसर की भी जो है आप लोगों के जो है एग्जाम होने के जो है एक हफ्ते के अंदर ही जो आप लोगों का आंसर की भी आ जाता है, इसके बाद रिजल्ट आ जाता है। यही जो है आप लोगों का जो है सीयूटी के थ्रू है, तो आप लोग फॉर्म फिल करिए। कैसे फिल करना कैसे नहीं, एक वीडियो के माध्यम से मैं बता दूंगा जो है स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को, ठीक। प्लस आप लोग जो है इसमें और जान लीजिए जो है इसके जो है आप लोगों के फीस क्या है, तो जितने भी जो है आप लोग जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है उनका 1000 है। इसके बाद अगर आप लोग ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड हैं तो 900 रुपया है। इसके बाद एससी एसटी से आप अगर आप लोग हैं तो 800 रुपया, या आप लोग जो है विदेश से हैं, अगर आप लोग जो है इंडिया से नहीं हैं तो आपको जो है 4500 रुपया जो है एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म का जो पेमेंट लगता है वो चीज़ आपको देना पड़ेगा, ठीक। यही चीज़ है। अब सीयूटी की तैयारी कैसे करें कैसे नहीं करें ये चीज़ मैं अभी आपको लास्ट में बताऊँगा, ठीक। अब जान लीजिए जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका अभी जो है फॉर्म नहीं आया है। उनका फॉर्म कब तक आ जाएगा एंट्रेंस एग्जाम का, तो आप लोग जो है 15 मार्च तक वेट करिए। 15 मार्च के पहले ही जो है आप लोगों का जो है एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आ जाएगा। आप लोग BA BSc BCom या जो है आप लोग UG के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहेंगे तो आप लोग जो है एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल करिएगा। प्लस आपको 1 महीने टाइम दिया जाएगा। प्लस आप लोगों को बता दूं जो आप लोगों का जो है मई लास्ट ये जो है जून जो है 15 के बीच में आप लोगों का एग्जाम भी होगा, ठीक। इसके बाद आपके जुलाई में जो है एडमिशन जो है प्रोसेस जो है सारे जो है कंप्लीट हो जाएगा और क्लास भी चलने लगेगा। यही जो है आप लोगों का प्रोसेस है। और जैसे ही जो है फॉर्म आएगा मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, प्लस उसमें जो है ये भी बताऊंगा कि आप लोग फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो, ठीक। अब जान लीजिए जितने स्टूडेंट जो है गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों का जो है एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म जो है 15 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। ऑलरेडी जो है यूनिवर्सिटी ने जो है नोटिफिकेशन के तौर पर जो है न्यूज़पेपर में भी था, आप लोग देखे भी हो, दिया गया है, उसमें लिखा है साफ साफ और कि जो है 15 मार्च से आप लोगों का जो है भरा जाएगा फॉर्म एंट्रेंस एग्जाम का, जितने भी जो है UG के कोर्सेस है, ठीक। तो आप परेशान ना हो, जैसे भी आएगा मैं आपको बताऊंगा। आप लोग तैयारी पे ध्यान दीजिए, जो भी जो है आप लोग BA BSc BCom में एडमिशन लेना चाहते हैं, नहीं तो आप अभी बोर्ड पेपर दे लीजिए, इसके बाद अपना जो है लक्ष्य जो है तय करिएगा। आपके पास 1 से 1.5 महीने टाइम मिलेंगे, जितने जल्दी आप लोग फॉर्म फिल कर लेंगे उतने जल्दी आप लोग जो है तैयारी स्टार्ट कर देंगे, ठीक। तो 15 मार्च का वेट करिए, 15 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा भी और कैसे फॉर्म को फिल किया जाएगा स्टेप बाय स्टेप भी बताऊंगा, ठीक। बाकी और कोई जानकारी चाहिए वो भी बताऊंगा। अब जान लीजिए जो है जो लोग जो है स्टूडेंट जो है लखनऊ में जो है नेशनल PG कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उन सभी लोगों का जो है एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आ चुका है 1 मार्च से, जो है कल से ही जो है आप लोगों का फॉर्म जो है फिलअप हो रहा है। आप लोग फिल करिए। अगर आप लोग उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ऐसा मत सोचिएगा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही जो है वो अटैच, ऐसा नहीं है, वो अलग से अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाती है जो है नेशनल PG कॉलेज और KKC लखनऊ में। अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो अलग से अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाती है और उसमें आप लोग जो है फॉर्म को फिल करेंगे और वहाँ जो है आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, ठीक। तो इसका नेशनल PG कॉलेज का आ चुका है फॉर्म, आप लोग जो है फॉर्म को फिल करिए। एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें इंटरेस्टेड है तो आप लोग जरूर जो है फिल करिएगा, नहीं तो अगर आप लोग जो है 2 से 3 जगह पर फिल कर रहे हैं कहीं ना कहीं आप लोगों का हो जाएगा। लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि तैयारी आप किस हिसाब से कर रहे हैं, कौन से कोर्स में कहां पर कितना कंपटीशन है। लेकिन मैं आपको सच्चाई बता दूं, हकीकत बता दूं कि ओवरऑल अगर आप लोग जो है किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी कोर्स में, तो इतना समय कंपटीशन का लेवल जो है थोड़ा बढ़ा है। इसलिए बढ़ा है क्योंकि जो है आजकल जो है बच्चे सोच रहे हैं कि मैं डेली क्लासेस करके जो है मैं पढ़ूँ। आजकल जो है बहुत से जो है पहले क्या हुआ था बीच में कि सब लोग फॉर्म से फिर जो है पढ़ लेते थे, क्योंकि अब जो है वो लोग सोच रहे हैं कि फॉर्म से जो है ना पढ़ना पड़े, क्योंकि कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है, बेरोजगारी जो है बढ़ रही है और बच्चों को जो है फाइट करना है, उसके साथ साथ जो है कंपटीशन लेवल की भी तैयारी करनी है। तो इसीलिए जो है लोग सोच रहे हैं कि कम से कम मैं क्लासेस कर लूँगा। प्लस एक चीज़ और है कि अब सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड हो रहा है, मतलब अब सेमेस्टर वाइज आप लोगों का पेपर हो रहा है। पहले क्या था कि आप लोगों का जो है 1 साल में 1 बार पेपर होता था, फॉर्म फिल कर दिए, कहीं कमाने गए कुछ किए,
लेकिन अब सेमेस्टर 4 महीने के बाद आप लोगों का पेपर हो रहा है, ठीक, साल में 2 बार पेपर हो रहा है। तो इसीलिए जो है उसमें जो है बच्चे सोच रहे हैं, जिनके अंदर जो पढ़ने की इच्छुक है तो वो लोग सोच रहे हैं कि पढ़ाई मैं करूँ, डेली क्लासेस करके करूँ चाहे जैसे करूँ, तो इसीलिए जो है अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि पैसा उतना वहाँ भी लगता है। वैसे जो है अगर आप लोग सरकारी कॉलेज, सरकारी मेन कैंपस पार जा रहे हैं यूनिवर्सिटी का, किसी भी यूनिवर्सिटी का, तो वहाँ भी उतना ही फीस लगता है किसी भी कोर्स में ऊपर, ठीक। तो इसीलिए बच्चे सोच रहे हैं कि जो है एडमिशन लें और सही तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ाई करें और आगे चल करके जो है कुछ ना कर सके तो कम से कम किसी कॉलेज या कहीं पर जो है मैं पढ़ा सकूँ। इसीलिए कंपटीशन लेवल का ग्राफ जो है थोड़ा बढ़ा हुआ है। तो आपको सही तरीके से और अच्छे तरीके से तैयारी करनी होगी और अपने आप को टाइम देना होगा जो भी कोर्स आप लोगों का है। बाकी अगर आप लोग जो है बीए या बीए एलएलबी में एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी जो है आप लोग जो है अफिलेटेड कॉलेज में, तो आप लोग मेरे साथ जरूर जुड़े रहिएगा। प्लस अगर आप बीए बीएससी बीकॉम में भी एडमिशन लेना चाहते हैं, बीसीए में लेना चाहते हैं, तब भी आप लोग जुड़े रहिएगा, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको सारी खबर मिलेगी। प्लस अगर आप लोग लॉ के स्टूडेंट में जा रहे हैं, लॉ करना चाह रहे हैं, इंटरेस्टेड है, तो आप लोगों को इससे अच्छा चैनल नहीं मिलेगा, ठीक। लॉ स्टूडेंट के लिए ये स्पेशल चैनल है, आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो पड़े हुए हैं ऑलरेडी। अगर आप लोग पहले से जान रहे होंगे तो कोई बात नहीं, बता दें कि यहाँ ये जो है आप लोगों का जो है एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। देखिए ओवरऑल जो है चाहे गोरखपुर यूनिवर्सिटी ले लीजिए या जो है आप लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी ले लीजिए या जो है या आप लोग जो है नेशनल पीजी कॉलेज ले लीजिए, इन सभी लोगों का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू, उसी में से आपको जो है फाइट करना रहता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आप लोगों को जो है 1 क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलेंगे, यही जो है आप लोगों का एग्जाम पैटर्न होने वाला। ऑलरेडी बता के रखा हूँ लेकिन फिर भी जो है इसमें जो है चर्चा कर दे रहा हूँ, लेकिन जब फॉर्म आएंगे तो मैं उसमें भी आप लोगों को जो है वीडियो के माध्यम से जो है उस समय जो है मैं आपको शेयर करूंगा, बताऊंगा, क्योंकि बहुत से ऐसे जो है कैंडिडेट होते हैं जब जो है कोई चीज़ जो है सर पे आ जाती है, जब कोई चीज़ जो है बहुत करीब आ जाती है तब वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तब वो जो है वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट मुझसे नए भी जुड़ेंगे, उन्हें नहीं पता होगा क्योंकि इंटर लेवल के अभी स्टूडेंट हैं, वो लोग जो है एंट्रेंस एग्जाम दे करके जो है किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो लोग मुझसे जरूर जुड़ेंगे। प्लस आप लोगों को बता दूं जो सीयूटी के जो है एग्जाम पैटर्न होते हैं वही जो है आप लोगों को जो है मैं ऑलरेडी बता के रखा हूँ, इसमें क्या होता है कि नेगेटिव मार्किंग होती है, यही जो आप लोगों का जो है बेनिफिट या जो है मान लीजिए लॉस, जो भी आप लोग सोच रहे हैं अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं तो नहीं बताऊंगा, इसमें बेनिफिट भी है लॉस भी है, ठीक, यही होने वाला है। प्लस आपको सिलेबस कहाँ से मिलेगा, तो सिलेबस आपको जो है मेरे टेलीग्राम चैनल या आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े होंगे या आप लोग मुझे जो है 7985535991 पर कॉल मैसेज करके पूछेंगे, आपको जो है सिलेबस मिल जाएगा। नहीं तो आप लोग मेरे ऐप को इंस्टॉल करिएगा, एमएस क्लासेस डालिएगा, ऊपर ही सबसे जो है फर्स्ट पे जो है प्ले स्टोर पर आ जाएगा, नहीं तो मैं नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से जो है आप लोग जो है उसे इंस्टॉल करिएगा और जा करके अपना सिलेबस जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक। चाहे आप लोग बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं या बीएससी में या बीकॉम में या बीबीए में या एलएलबी में या आप लोग बीए एलएलबी या आप लोग बीसीए में किसी भी यूजी कोर्सेस में एडमिशन लेना चाहते हैं या किसी भी पीजी कोर्सेस में लेना चाहते हैं, सभी लोगों का सिलेबस जो है किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो आप लोगों को जो है मेरे ऐप पर मिलेगा, ठीक। तो आज का आप लोग जो है इंतजार करिए, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी या गोरखपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, प्लस अगर नेशनल पीजी कॉलेज में लेना चाहते हैं या सीयूटी के थ्रू, तो आप लोग का फॉर्म आ चुका है, आप लोग जो है भरना स्टार्ट करिएगा। कोई दिक्कत होगा फॉर्म भरने में तो आप लोग मुझे कॉल मैसेज करके, आप लोग मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करके या जो है आप लोग डायरेक्ट कॉल करके, जो है मेरे पास टाइम नहीं रहता लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए जो है टाइम निकालता हूँ, ठीक। तो आज का वीडियो यहीं तक था, बाकी कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर मुझे बताएं। तो थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, कोई दिक्कत होगा जरूर बताएं, थैंक यू।